अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद रफीउद्दीन, एसआर के न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नाज़रीन नज़र डालते हैं आज के खबरनामे पर। हैदराबाद हलके नामपल्ली आसिफ नगर डिवीज़न साबिर नगर बस्ती में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इंतखाबी जलसा किया गया। इस मौके पर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साबिका एमएलए और साबिका एमएलए एआईएमआईएम जनाब जाफर हुसैन मेराज, कॉरपोरेटर जनाब माजिद हुसैन व दीगर मौजूद रहे। इस जलसे में जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने तकरीर की और कसीर तादाद में अवाम मौजूद रही। हमारे नुमाइंदे शेख रियाज की तफसील। जल्दबाजी करता हूँ क्योंकि सीने में आग है, ना इंसाफी का शिकवा है शिकायत है। धोखेबाजी और धोखे का गिला है, हक तल्फी का गुस्सा है। इसलिए इस जबान से बाज वक्त आग निकलती। अगर कोई जानना चाहता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के अल्फाज में इतना जहर क्यों है, या अगर कोई कहता है कि इतना गुस्सा क्यों है, तो उनसे कहना चाहता हूं, शिकवा व शिकायत सबसे पहली तो यह है कि तुमने मुझे बहैसियत मुसलमान कहकर देखा। अकबरुद्दीन ओवैसी को जब जब भी तुमने देखा तो मुसलमान कहकर देखा, काश तुमने मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान कहकर देखा होता तो शायद ये आग नहीं होती, ये गुस्सा नहीं होता। अरे ये मुल्क जितना नरेंद्र मोदी का है उतना ये मुल्क अकबर ओवैसी का भी है। मनमोहन सिंह का है उतना ही यह मुल्क अकबर ओवैसी का भी है। यह मुल्क जितना रॉबर्ट वाड्रा का है उतना ही यह मुल्क अकबर ओवैसी का भी है। मुझे दूसरे दर्जे की शहरी की तरह ना देखो। यह मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। आज यही तो शिकायत है कि तुमने ना इंसाफी की, तुमने हक तलबी की। शाहजहां कॉलेज के सामने माकूब आरादी को हासिल किया, शेख पेट के पास फिल्म नगर से नीचे उतरते हैं वो लंबी रोड जो सेवन टूम्स की तरफ जाती है, उस रोड पर वहां पर भी एक बाउंड्री वॉल है पेट्रोल पंप के बाजू, वो भी वक्त की जमीन है। किसने हासिल किया? मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हासिल किया। आलूर की तरह 1200 एकड़ जमीन किसने हासिल की? मजलिस ने हासिल की 1200 एकड़। फकीर मुल्ला वक्त आरबी की 200 एकड़ में से 50 एकड़ जमीन हमने हासिल की। हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह 1667 एकड़ आरबी का मुकदमा मजलिस लड़ रही है, इंशाअल्लाह ताला उसको भी हासिल करेगी। हकीम शाह बाबा की तरह हकीम बेग की 500 एकड़ मौकों पर आराधी का मुकदमा मजलिस लड़ रही है, मैं लड़ रहा हूं। बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के 3300 एकड़ का मुकदमा मैं लड़ रहा हूं। क्या कोई लड़ रहा है? चंगी चल्ला की जेल 800 एकड़ जमीन मौकों पर, उसका मुकदमा हम लड़ रहे हैं। क्या कोई लड़ रहा है? अरे बातें इल्जाम, अरे हम। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।